तो बड़ी परेशान में बैठा लो, की बात है दीदी? हर बार हम रोपी हो मटर के खेती कर रही हो तो हर बार हमरा मतलब ना उपज बढ़िया होगा, को समझ ही नहीं आवो कि कैसे करियो। हैं दीदी, आपके गांव के बगल में एक गांव सरदार बिहार जो है वहां पर तो मटर की खेती बहुत अच्छे से होती है, क्या आप कभी गए हैं वहां पर किसान दीदी से पूछने के लिए? नहीं दीदी। दीदी परसों गिर सरदार बिहार गाँव में तो एकदम बढ़िया मटर के खेती हो रहा है, जब तू जाके पूछ लिया कि कैसे उपजाव हो दीदी हमरो बता दें। एगो सरदार बिहार गाँव में हकून है करे हकून दीदी, वो हमारे जान पहचान के दीदी किसान दीदी हकून, उनका ही कहा तो फोन कर दियो वहीं जाके तू पता कर लिया कि कैसे वो करा हकून खेती। दीदी आज बताइए दा हम वहाँ जा ही ले चाह रही हो। अच्छा करिए दही होता सरदार मटर के खेत बड़े अच्छा हो दीदी, चलो तो चल के देखे हम ही चलो साथ है। हाँ दीदी चलवे करा हम हुआ निकल वो चलो चला आज चला। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। अपने अखिल स्नेहलता दीदी? हाँ दीदी हम ही स्नेहलता ही। दीदी मेरा नाम मानती देवी हो, अंधना गांव से आई। दीदी मेरा नाम सालका सिन्हा हो, मैं अंधना गांव से आई। हाँ दीदी सालका दीदी बतेल थी ना कि अपने सब आवे वाला हथिन, हम अपन परिचय भी दे दिए। हमार नाम कुमारी स्नेहलता सिन्हा होली, गाँव सरदार बिघा, सरस्वती जीविका स्वयं सहायता समूह के कोषाध्यक्ष, वैष्णो जीविका ग्राम संगठन के VRP ही। तो गाँव में मटर के खेती बड़ी अच्छा होगा दीदी, वही देखे लगी है लिया दीदी। दीदी तो हर गांव में बड़ी अच्छा मटर के खेती हो, वो गाँव देखते आ रही हो सब बहुत अच्छा हो, कैसे कैल हो कि इतना अच्छा से खेती हो? हाँ दीदी हम सब बीज शोधन करके रोपिये इसीलिए फसल बड़ी अच्छा होबा है। दीदी बीज शोधन कैसे करो हमारा करके दिखाओ। चला हम घरे बीज शोधन करेला सिखा देबो और सब सामान तैयार करके रखा लियो। ठीक हो दीदी चला हमरा बताइए दीहा। ऐसे परी बैठा दीदी हम सब सामान लेके आवाइयो। आई दीदी ये सब तो सीख भी बाद में पहले ही बताती ना दीदी कि बीज शोधन करे से कोची फायदा है? बीज उपचार करे से बहुत फायदा है दीदी, जैसे गर्भ में बच्चा पला है तो माँ के टीका पड़ा है, जैसे बच्चा के ऊपर कोई बीमारी ना होवे इसलिए बच्चा के टीका पड़ा है। और साही बीज उपचार करे में फायदा है कि बीज जब अंकुरण होवा है खेत में जाए मिट्टी में तब ओकरा पौष्टिक आहार मिला, कोई फफूंद नाशक कीटनाशक नहीं रोग पकड़ा है। बीज उपचार कर ला दीदी, सामग्री हम तैयार रखा लियो, कौन कौन सामान लगते जो हम सब बता दियो। एक कट्ठा खेत के लिए 500 ग्राम मटर का बीज है, आधा किलो बीज के लिए दीदी 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ा है, और ये 250 ग्राम जैविक खाद है दीदी केचुआ खाद, 100 ग्राम मीठा की भी जरूरत पड़ा है दीदी, 100 ग्राम गौमूत्र की भी जरूरत पड़ा है, देखो दीदी दस्ताना की भी जरूरत पड़ा है हाथ में पहनने लगी, देखो दीदी बेरेस्टिन पाउडर है और ह्यूमिक फैट है, दोनों में से कोई एक के चीज के इस्तेमाल करो, बेरेस्टिन अगर अपने के पास है तो बेरेस्टिन पाउडर का इस्तेमाल करो और ह्यूमिक फैट है तो एक कर इस्तेमाल करो, 2.5 ग्राम आधा किलो बीज में लगते, जूट के बोरा भी लगाए दीदी, देखो दीदी 1 लीटर पानी में आधा किलो बीज के अब डाल दही, देखो दीदी बीजवा जो दहल ही ऊपरे जो कुल खराब बीज है एक छान के निकाल ले भी। देखो दीदी अब एरा में 100 ग्राम मीठा डाल भी, अब एरा मिला दी अच्छा तरह से,
अच्छा दीदी, एरा में मीठा मिलावे से की फायदा है? एरा मीठा मिलावे से दीदी एरा में पोषक तत्व के पूर्ति होवा है। पोषक तत्व के पूर्ति होवा है। फिर हम 250 ग्राम बर्मी कंपोस्ट भी मिलावे दीदी, केचुआ खाद। केचुआ खाद है। केचुआ खाद मिलाने से कौची फायदा होगा दीदी? केचुआ खाद मिलावे से दीदी यही फायदा होगा है कि एरा में पौष्टिक तत्व के पूर्ति होगा है और अंकुर बहुत अच्छा से निकला है, मोटा मोटा अंकुर निकला है तो होगा है। देखो दीदी 100 ग्राम एरा में गौमूत्र अब डालवी। देखो दीदी अब एरा 12 घंटा के लिए ढक के रख दिए, अब शाम के बताएगो की आगे एरा कौची कर दीजिए। देखो दीदी 12 घंटा अब हो गए, आगे के प्रक्रिया हम बतावे ही। ठीक है दीदी। देखो दीदी अच्छा तरह से एकदम फूल गली। हाँ दीदी बड़े अच्छा से फूल गले। देखो दीदी अब एरा बोड़वा में छान के रखबे। देखो दीदी अब एरा अच्छा से पनिया के गिरा लेबू और उसके बाद नीचे धर के फैला ली है। देखो दीदी अब एरा फैला देवे, फैला के एरा 5-7 मिनट छोड़ देवी बरक के लगी। देखो दीदी अब एरा बेबेस्टिन पाउडर मिलेबे, अगर बेबेस्टिन अपने के पास ना है तो ह्यूमिक फर्ट है तो ओरा मिला देवे, और ओकर मिलावे के पहले हाथ में दस्ताना पहन के मिलेबे क्योंकि केमिकल है वो, हाथ के लिए नुकसानदायक होबा है, नुकसान करेगी। देखो दीदी अब दस्ताना पहन लही। देखो दीदी ये बेबेस्टिन पाउडर है, ये 1/2 kg बीज में 1 ग्राम के मिलेबी। और ये है ह्यूमिक फैट, तो एरा 1/2 किलो बीज में 2.5 ग्राम मिलेबी। तभी हम ह्यूमिक फैट के इस्तेमाल करबे एरा में और 2.5 ग्राम मिलेबी। देखो दीदी ह्यूमिक पाउडर अब अच्छा तरह से एरा मिला देवी, हाथ से एरा ना मिलावे है कि फूलल है छिलका एकर अलगे हो जीते, इसलिए बोड़े पकड़ के मिला दे। हाँ दीदी उसे मिलावे से ठीक हो तो। देखो दीदी अब एरा बांध दे है और अच्छा तरह से एरा रख देवी छायेदार जगह में। हाँ दीदी बांध लवन दीदी हमें बांध दे है जिन्हें मैंने मदद करके सीखा ही हो। देखो दीदी अब छायादार जगह में रख दे ही 8 घंटा के लिए और बीच बीच में पानी के छिड़काव करते रह भी ताकि सूखे ना। ठीक 8 घंटा में अच्छा तरह से अंकुरण आ जीते और उकर बाद खेत में लगा सके। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हमरा मटर के बीज शोधन करे के लिए बता दिलो, हमरा उपज ने बढ़िया सब ले अथी हो वाले, हम अपने भी करबीन आओ किसान भैया दीदी के भी बतेबी कि आगे के अच्छा उपज होवे। ठीक है दीदी जैसे हम कहलिए है और उसे सबके किसान दीदी के सिखेबू और जा कर के बतेबू तो अच्छा उपज हो तो। ठीक है दीदी धन्यवाद। धन्यवाद।